गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम को निलंबित किया गया है। तो कार्यों में लापरवाही बरतने पर यह निलंबन कार्रवाई यहां पर हुई है। 28 सहायता प्राप्त स्कूलों में फर्जी शिक्षक की तैनाती का यह पूरा मामला है, जिस पर यह गाज गिरती हुई। तो फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे बीएसए गोंडा, और सरकार को हर महीने 94 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। तो डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति गोंडा के नए बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां फिलहाल जो करंट में भी फिलहाल अधिकारी मनीराम थे, उस पर गाज लापरवाही बरतने को लेकर गिरी है। 28 सहायता प्राप्त स्कूलों में फर्जी शिक्षक की तैनाती के मामले को लेकर ये कार्रवाई उन पर की गई है। तो फर्जी शिक्षकों पर जो कार्रवाई है वो इन अधिकारी की तरफ से नहीं की जा रही। तो सरकार को हर महीने 94 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, इसी खामियाजे का जो यहाँ पर सजा उनको यहाँ पर मिली है और उनको पद से निलंबित कर दिया गया है। तो गोंडा से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, कार्यों में लापरवाही बरतने पर बीएसए गोंडा पर जो गाज है वो निलंबन की गिरी है, उनको उनके पद से बर्खास्त किया गया है।